कि यहाँ पर भूतों का राज है। ये बहुत ही साल पुराना है और इसको भूतिया भी बोलते हैं। इस क्रिया में थोड़ा सा अगर प्यार से दूध डाल दिया जाए तो ये क्रिया फुल हो जाती थी। ओ माई गॉड, क्या भूत का साया है क्या यार? मतलब आपकी नजर जाएगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। बच्चे लोग गए थे और वापस लौटे नहीं, वापस ही लौटे नहीं। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मोटा हूँ मैं, गाने में दिक्कत हो रही है। आगे दरवाजा दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जिसको भूतिया महल भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं रायबरेली की एक ऐसी जगह जो डलमऊ के किले के नाम से फेमस है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम जो पड़ा है, डलमऊ एक राजा थे उसी के नाम पर यह किला पड़ा है। तो आज हम आए हैं इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर भूतों का राज है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से आपको मैं एक व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार है क्योंकि यहाँ पर डैम बने हुए हैं। मजा आने वाली गाइस, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, यहाँ से मेन रास्ता है और शायद ये भी बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर एक खुफिया सुरंग भी है। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल अभी पूछेंगे लोग से कि रास्ता कहाँ से है, बट अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर और ऊपर किले के बारे में आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ है मेरा अजीज दोस्त, जो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा क्लासमेट, मेरा लंगोटिया यार फैजान, तो उससे भी आपसे मुलाकात करवाएंगे। तो आइए फिर चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं यहाँ का एक व्यू दिखाएंगे ऊपर से। और आपने सुना होगा हमारे हिंदी के एक लेखक हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यहाँ बैठ के वो अपनी कहानियाँ लिखा करते थे और गंगा के बारे में उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेन किया, बहुत सारे बातें बताई हैं। बारे में क्या था इसका हिस्ट्री कुछ है, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? ये सब जो आप पे बाद में काम है, सब रिनोवेट करवा दिया गया बाद में, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया है। लेकिन ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये उसी राजा डलदेव के वक्त का है। डलमऊ के जो राजा थे, राजा डलदेव, दो भाई थे, 15वीं या 16वीं सदी में एक किला बना हुआ है। आइए प्लास्टर बात कर दिया गया है ब्रिटिश इरा का, लेकिन जो पूरी बिल्डिंग है उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा है। तो गाइस, आप ये जान लीजिए, ये जो मतलब पूरा बनाया गया है, एक कटाई का ईंट आता है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। स्पेशल ईंट होता है, बहुत ही मजबूत होता है। और ये देखिए गाइस, ये जो पूरा किला है इस ईंट से बनाया गया है। ये देखिए गाइस, इसको बोलते हैं ककाई का ईंट, क्योंकि हम लोग घर में नॉर्मल यूज होता है, मतलब जो ईंटें होते हैं वो दूसरे ईंटें होते हैं, बट ये पुराने जमाने का ईंटा है और इसको ककाई के ईंट से जाना जाता है भाई। बहुत ही शानदार है। छत पे चल के व्यू दिखा। तो आइए फिर आपको चले चलते हैं छत पे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ किले के छत पे, तो मैं आपको पहले यहाँ का व्यू दिखा दूँ जो कि बहुत ही शानदार है। और जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे कैंट बना हुआ है, यहाँ पे पानी का क्या होता है भैया? श्राव, वहाँ पे पानी का श्राव होता है। तो ये आप लोग यहीं के हैं? तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझको, एक्सप्लेन करके इसके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के, इतिहास के बारे में मतलब कुछ बताइए, जो कि हम लोग यूट्यूब में सर्च करके इसके बारे में बताना चाहते थे, बट यूट्यूब में इतना अच्छा इसके बारे में है नहीं। तो आप लोग यहीं के निवासी हैं, तो आप शायद इसके बारे में बता सकते हैं कौन से राजा थे, क्या क्या था इसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये पांच भाई थे जिसको मुझे दो का ज्ञान है, एक है बालेश्वर, एक है डलदेव। डलदेव यहाँ के निवासी थे। एक बार आतंक के वजह से इनके ऊपर हमला हुआ था। कुछ दूरी पे इनका एक मंदिर भी बना है और यहाँ पे कुल मिला के लड़ाई करते हुए वहीं पे प्राण त्याग दिए थे। लड़ाई करते थे और सर बिना सर के लड़ाई करते हुए वहाँ आते थे। अच्छा, बिना सर के? हाँ। और एक मतलब एक औरत से पूछा था कि मुझे पान खिला दिए, तो वो औरत ने कहा आपके सर ने पान कैसे खाओगे, इतनी शक्ति एवं श्रद्धा थी उसके पास। तो अंत समय जब पान ना मिलने के कारण कुल मिला के उसका देहांत वहीं हो गया। अच्छा, मतलब सर कटने के बाद भी वो जिंदा थे? हाँ। ओफो गाइस, आप देख रहे हैं सर कटने के बाद भी जिंदा थे। और यहाँ थोड़ी नीचे पर एक सुरंग है जो उन्हीं के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, नीचे सुरंग भी है? तो अभी मतलब ओपन है या बंद? अच्छा, खुफिया रास्ता था। तो गाइस, जैसा कि भाई अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक खुफिया सुरंग भी है। ये बहुत ही साल पुराना है और इसको भूतिया भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी हासिल करता हूँ और मेरा दोस्त फैजान भी इसके बारे में कुछ बताए। फैजान बताइए। यार देखिए, मैं यहाँ का निवासी हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म कहता है कि ये यहाँ के लोग कहते हैं काफी पुराना किला है, लेकिन जो आप ये प्लास्टर देख रहे हैं ये 400 साल पुराना नहीं है। इसका रिनोवेशन करवाया गया है क्योंकि ये सारा ककई ईंटों को बना हुआ है, ना कि इसमें मार्बल या किसी रेड स्टोन का प्रयोग हुआ है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर में होता था बेसिकली। ये बाद में सब रिनोवेट करवाया हुआ है। किले का एक थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, एक कैनपी बची हुई है मात्र। कैनपी बची हुई है। पुराने वक्त में किले जो बनते थे मोस्टली नदियों के किनारे बनते थे, क्योंकि एक यातायात का साधन भी मुहैया हो जाता था। दूसरी बात, एक कस्बाई टाउन पीछे देखिए, पास ही में एक नदी भी है इसमें ना, गंगा नदी है। और यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंट है जहाँ से पानी का बहाव वगैरह काम होता है ना भैया,
पानी का स्त्राव। तो आइए फिर यहाँ के एक लोग से हम जानते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ डीपली बताइए, इसके बारे में क्या हिस्ट्री। ये भाई यहीं के रहने वाले हैं और शायद ये मुझको बहुत अच्छी तरीके से कुछ बता सकते हैं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो कुछ बताएं भाई इसके बारे में। हाँ, जैसा कि भाई लोगों को ये पता नहीं है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझको पता है, जहाँ तक मेरे बुजुर्गों का ये मानना है कि इस कड़िया में थोड़ा सा अगर प्यार से दूध डाल दिया जाए तो ये कड़िया फुल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर वो श्रद्धा वो भावना नहीं है। ये बिना प्यार से अगर भावना से दिल से अगर इसमें दूध डाल दिया जाए तो कड़िया भर सकती है। अच्छा, इसमें मतलब दूध डालते हैं तो ये मतलब ऑटोमेटिक भर जाती है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो बहुत हैरत अंगेज बात है, इसमें अगर आप एक कटोरी दूध डाल देते तो ये ऑटोमेटिक पूरा भर जाता था, वो भी श्रद्धा के साथ, वो भी श्रद्धा के साथ। तो भाई यहाँ के निवासी हैं और भाई मुझको मतलब ये चीज बता रहे हैं जो कि मतलब आपको YouTube में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब मैं YouTube में सर्च कर रहा था इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो इसका प्रॉपर मुझको सोल्यूशन नहीं मिला, बट भाई यहाँ के निवासी है तो मुझको इन्होंने बताया। तो और भी आइए आपको बताएंगे भाई, और भी कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। हाँ, यहाँ के कुल मिला के नीचे एक सुरंग है जो खुफिया रास्ता के नाम से जाना जाता है, तो उसी के नीचे चलना पड़ेगा। अच्छा, तो आइए फिर चलते हैं खुफिया सुरंग। तो आप लोग डरना मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुफिया है, तो आइए फिर ले चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खुफिया सुरंग की ओर, और भाई की ये पूरी टीम है, मतलब ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं गाँव के निवासी हैं, तो ये हमको अच्छे से गाइड कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बात बताएंगे आपको वो आपको कहीं यूट्यूब से देखकर बताएंगे या किसी के सुन के बताएंगे, बट ये लोग यहीं के हैं तो ये आपको डीपली बता सकते हैं यहाँ का क्या हिस्ट्री है, क्या राज है और क्यों इसका निर्माण हुआ। और बहुत ही शानदार है, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे किला था, और अब हम जा रहे हैं, ओ माय गॉड, क्या भूत का साया है क्या यार यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं खुफिया सुरंग की ओर, तो जिसका रास्ता है जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही खुफिया चलता है खुफिया सुरंग की ओर हम लोग चल रहे हैं। और अब हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी गुफा जहाँ पर एक बार कोई जाता है तो दोबारा आता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको यहाँ से दिखाते हैं गुफा, बहुत ही खुफिया गुफा है गाइस, और वहाँ बताते हैं भाई लोग कि वहाँ जाने के लिए आपको झुक कर जाना पड़ता है। गाइस अभी हम आ गए हैं खुफिया सुरंग के एकदम करीब, डरना मत, सांस थाम के रखना। तो आइए चलते हैं भाई, हमको ले चलने वाले हैं अंदर खुफिया सुरंग के, तो आ जाइए। ये देखिए गाइस, ये है खुफिया सुरंग जो कि अभी पड़ा हुआ है, इसमें झमाझम अंधेरा, क्योंकि इसमें लाइटिंग सिस्टम कुछ है नहीं। ये देखिए गाइस, जैसे कि अभी भाई हमको बता रहे थे कि यहाँ जाने के लिए आपको झुक कर जाना पड़ेगा, और टॉर्च है नहीं मेरे पास, तो टॉर्च भाई जला लीजिए मोबाइल से। तो भाई ये बताएंगे इसके बारे में कुछ आप। यही है खुफिया रास्ता, जिससे कि राजा महाराजाओं के समय में ऐसे खुफिया रास्ता बनाया जाता था, और यहाँ पे झुक कर ही जाना पड़ेगा, और अंधेरा भी बहुत है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पर से आपको जाना पड़ेगा झुककर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा भी है कि राजा महाराजा के जितने भी किले होते थे वहाँ पर झुक। रहे बाप रे भैया, बहुत ही खतरनाक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, भाई रास्ता बंद है इसका, क्योंकि भाई देख रहे रास्ता, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। भाई लोग बोल रहे चलते हैं, भाई डर लग रहा है यार, बच्चे की जान ले रहे हैं खुले हुए, और हमारा फैजान भी बोल रहा है चलो पागल है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं भाई, इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि आगे जाने पर एक दरवाजा बंद है। अभी मैं जाने वाला था अंदर, बट जहाँ मैं एंट्री लिया भाई डर गया एकदम से, भाई इतना छोटा सा रास्ता है, झुक कर जाना पड़ रहा था, और पूरा अंधेरा था फटाफट। भाई लोग बोल रहे चलते हैं अंदर, बट भाई मेरी हिम्मत ना है भाई, अगर आप लोग की हिम्मत है तो आप लोग आ जाना, मैं लोकेशन डाल दूंगा, आप लोग जा सकते हैं। और भाई ये भी बताते हैं कि आगे एक खुफिया दरवाजा है जो पूरी तरीके से बंद है, जैसे कि आप गाइस देख लीजिए, ये रास्ता इतना छोटा सा है, आपको यहाँ से बैठ कर जाना पड़ेगा, खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं, लाइटिंग कुछ नहीं है, भाई डर लग रहा है, अगर एक बार खड़े होकर जाना पड़ता तो भाई मैं जा सकता था, बट ऐसे नहीं जा पाऊंगा भाई। आई विल ट्राई। तो यहाँ पे फैजान हमारे ट्राई करने वाले हैं, तो अगर ये कुछ हो जाएगा तो मैं तुमको बचा लूंगा, ठीक है। तो जाके देखते हैं। गर्मी के माहौल में सब जानवर अंदर होंगे ना? नहीं, जानवर थोड़े ही, तो वहाँ जाना नहीं है भाई यार, नहीं जाना, चलो फिर चला जाए, चलो। नहीं 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 नहीं, फजान नहीं जाना बेटा, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो भाई जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ मतलब बच्चे लोग गए थे और वापस लौटे नहीं, वापस ही लौटे नहीं, फिर सरकार द्वारा दरवाजा सब बंद कर दिया गया, कोई जाता नहीं है, बट अंदर हम लोग गए थे दोस्त लोग, फिर वहाँ से दरवाजा दिखा, फिर उसके आगे फिर हम लोग लौट आए।
ओफो। तो गाइस अभी हम लोग कुफा के एकदम करीब हैं, अंदर जाने वाले थे बट नहीं गए। और भाई लोग ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर एक टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे अंदर गए थे, कुछ बच्चे मतलब 5-6 बच्चे अंदर गए थे बट वो वापस दोबारा कभी लौटे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार अंदर कोई गया तो वापस लौटा नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया वहाँ पे क्या है। भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, भाई मैं नहीं जा पाऊंगा गाइस, भाई मुझको डर लगता है भाई। तो यहाँ पे कुछ यहाँ के लोग हैं वो जाना चाहते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से आगे का आपको पूरा फैजान बताया, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, सुरंग के अंदर जा रहा है और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डर, तो मैं जाऊंगा नहीं और मैं रहूंगा बाहर। तो यहाँ से आगे का पूरा आपको व्लॉग स्टार्ट करेगा फैजान। तो फैजान रेडी हो? हाँ ठीक। कुछ भी दिक्कत होती है तुरंत इसको मारना, मैं भागते हुए आऊंगा, ठीक है? और जैसे कि आप देख लीजिए गाइस, ये भाई ये देखिए, ये मेरा शेरा है, शेरा फुल तरीके से इंतजार में है और ये आगे का पूरा गाइड करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये गाइड करने वाले हैं। ओके आराम से भाई, आराम से। अच्छी दूर कहाँ निकल गया है भाई, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मोटा हूँ मैं, ध्यान में दिक्कत हो रही है। आगे दरवाजा दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस, फैजान हमारा सुरंग गया था तो कैसा रहा? ओहो ये देखिए गाइस, ये लोग गए थे सुरंग के अंदर, बहुत अच्छा सफर था हमारा। ओहो भाई आगे लोग जा नहीं सकते थे। तो गाइस ये था डलमऊ का किला और आपको मैंने दिखाया खुफिया भूतिया सुरंग, जिसमें मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ी अंदर जाने की बट मेरे फैजान और भी यहाँ के लोग गए थे बट भाई मुझसे ना हो पाया, तो जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, और जब तक के लिए सब खैर।